बच्चों, आज हम सब यहाँ पर रस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रस का मतलब होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। हम किसी भी काव्य को पढ़ करके, किसी को पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, या किसी को देखते हैं तो भी आंखों से आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम किसी को सुनते हैं तो कानों से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, बोलकर या स्वाद लेकर आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस 11 होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल्य और भक्ति रस। मैं आपको यहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में बता रही हूँ। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। इसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको एक रस बताना चाहती हूँ, वह है करुण रस। करुण रस में जैसे कि एक उदाहरण है: ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी प्रकार मैं आपको भक्ति रस का एक उदाहरण बताने जा रही हूँ, जो कृष्ण भगवान के ऊपर है। मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी रहती है मगन, वो कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इसी प्रकार भक्ति रस में मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति में, प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता कृष्ण के बिना। मैं आपको इतना कहना चाहूंगी बच्चों कि इन रसों को आप इतना ध्यान से पढ़िए, सारे कृष्ण प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास और जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे और सिल पर पड़त निशान। करने से क्या कुछ संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जिस प्रकार अभ्यास करने से, एक पानी कुएं पे भरने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो ये तो रस हैं। इसको पढ़िए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।